तो जनसंख्या नियंत्रण पर आपके द्वारा दिए गए मंतव्य से अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री, बिहार के नेता और देश के विभिन्न राज्यों के नेता अगर असहमत है तो संजय जायसवाल जी आप पर नैतिक बल है क्या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया और कहा कि अररिया किशनगंज में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते संजय जायसवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं ऐसे लोग और जो इस तरह की बयान देते हैं वो बिहार में धर्मों को लड़ाना चाहते हैं, आपस में लड़ाकर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। खुद की पात्रता सिद्ध नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये कहना है कि आप आंकड़े को भी तथ्यात्मक नहीं रखते हैं, फर्जी आंकड़ा देते हैं, स्क्रीन शॉट जो देता है आपको अधूरा दे देता है, आपसे हमको कोई सफाई की भी उम्मीद नहीं है क्योंकि आप सफाई देने लायक भी नहीं है। क्योंकि जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप बिहार के प्रिंसिपल हैं उसका जो चांसलर और वाइस चांसलर है वो सब असत्य की खेती करता है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर आपके द्वारा दिए गए मंतव्य से अगर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के मंत्री, बिहार के नेता और देश के विभिन्न राज्यों के नेता अगर असहमत है तो संजय जायसवाल जी आप पर नैतिक बल है क्या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करिए। नहीं तो आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप अररिया और किशनगंज का नाम लेते हैं, खगड़िया का नाम लेने से आप गुरेज क्यों करते हैं। इसका मतलब साफ है कि धर्म की बुनियाद पर आप मानसिक प्रताड़ना और समाज के अंदर विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम माननीय संजय जायसवाल जी चैट है, बजाबता डिटेल हम आपको उपलब्ध अभी कराएंगे, ये जो नेशनल सेंसस का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं और उनको पृष्ठ संख्या 26 भी पूरा पढ़वा दिए, बेचारा आधा अधूरा उनको दे दिया था, फजीहत करवा देता है सब। 27 नंबर पेज भी, 29 नंबर पेज भी, जब उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनको सही सही चीज बताता नहीं है कोई, तो उनकी परेशानी यह बहुत बड़ी है कि अज्ञानता का तांडव मचाना आप संजय जायसवाल जी बंद करिए। और सीमांचल में आपके राजनीतिक आका अगर आ रहे हैं तो आंकड़ों का मकर जाल मत फैलाइए। अगर राजनीति में कर्तव्य पथ का एहसास आपको है, हालांकि आपको दूर दूर तक ऐसे चीजों से कोई। तो आपने नीतीश कुमार के सिपाही नीरज कुमार को सुना, प्रखर रूप से संजय जायसवाल के ऊपर हमलावर दिखे और उन्होंने संजय जायसवाल को लेकर कई बातें कही, साथ ही साथ ये भी कहा कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बीजेपी कर रही है और अररिया किशनगंज क्यों, खगड़िया को लेकर भी आप इस तरह की बयान देते। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले संजय जायसवाल पर बड़ा हमला बोला है और कई आरोप भी लगाए हैं। लगातार हम खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।